उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के बाद अब कुमाऊं रीजन में कई हिस्सों में आग भड़की हुई है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत के अलावा नैनीताल के भीमताल में भी आग ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। भीमताल और भवाली के बीच मेहरा गांव के जंगल हो या फिर बागेश्वर का मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर मनकोट और बुटघुना के जंगल इन दिनों आग में धधक रहे हैं। वन विभाग की टीमें आग बुझाने में लगातार जुटी हुई हैं। चंपावत की देवीधुरा रेंज में लगातार दो दिनों से सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए हैं। दो दिन पहले लगी आग अब पाटी तहसील मुख्यालय पहुंच चुकी है। लोगों का धुएं से जीना मुश्किल हो चुका है, लोगों का सांस लेना तक दुभर हो चुका है और चीड़ के जंगलों में इतनी भीषण आग लगी है कि वन विभाग आग बुझाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये जंगल में धधकी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है, गांव तक पहुंच चुकी है। और ये जरा सोचिए कि मवेशियों का क्या हुआ होगा जो इस जंगल में थे। कई जानवर बताया जा रहा है कि मर गए हैं इस आग में। जंगलों में आग लगी है पर यहाँ कुछ कोई देखने वाले नहीं है। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है आग बुझाने की और लगभग यहाँ चार दिन से आवाजाही कम हो रही है लोगों की और बड़ी दिक्कत आ रही है। आंखों में आंसू आ रहे हैं धुएं से और यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है लोगों को। छोटे वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटी इत्यादि, इनमें ज़्यादा लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और बाजार क्षेत्र में आग पहुंच चुकी है, घनी आबादी है, यहाँ दुकानदारों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस आग पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कह रहे हैं उनको भी सुनिए। भवाली कंपार्टमेंट 21 है, इधर 3 घंटे पहले आग लग गया और लगातार हमारा टीम तुरंत आगे और एसपीओ साहब और मैं और रेंजर साहब और 25 लोग का टीम ये आग बुझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और काफी कंट्रोल में आ गया और स्टाफ को हम बुलाया इधर से और वो भी आ रहे हैं और करीब करीब हम काउंटर फायरिंग करके इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आग उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में भी लगी है, गढ़वाल के जंगलों में भी भीषण आग लगी है। टिहरी, खिरसू, चक्राता, उत्तरकाशी, श्रीनगर, हरिद्वार के जंगल चार दिनों से जल रहे हैं। वन विभाग आग पर काबू नहीं पा पा रहा है। जंगलों में लगी आग ने अब जंगलों से सटे गांव व शहरों का भी रुख कर लिया है। रिहायशी इलाकों तक ये आग पहुंचना शुरू हो गई है जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आग के धुएं से हो रही है, क्योंकि आग के धुएं की वजह से लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है, लोगों को मुश्किल हो रही है सांस लेने में। कई मवेशी मारे गए हैं जंगल में लगी इस आग में। और जो श्रीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, हम पिछले 2-3 दिन से लगातार आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि आग लगी हुई है। वन विभाग की जो टीम है, जब शुरुआत में आग लगी थी तब तो वो वन विभाग की टीम जंगल तक नहीं पहुंची थी। लोगों का कहना है कि हमने अभी तक किसी ऑफिसर को नहीं देखा है जो आग बुझाने में आए हो। फायर जो हम ऑन स्पॉट जो बुझाते हैं वो दो ही चीज़ें उसमें जो है प्रभावी अभी तक हुई हैं, क्योंकि काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है और 4 किलोमीटर लगभग आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ से जो है 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना और फिर वहाँ पे गर्मी में आग बुझानी है, तो उसमें दो ही इफेक्टिव ये हैं हमारे पास। पीछे से हम लाइन काटते हैं फायर रैक की वजह से और आगे जो है जो फ्रंट पे उस फायर लाइन के पास जो ही आग बुझती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वहाँ पे बीट करके उसको जो है उसको बुझा देते हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।